हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको मैंने पहले भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के नोटिफिकेशन कवर करके बताया था, वहाँ पर टेक्निकल रिक्रूटमेंट भी होती है जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी सीट जो है रिजर्व होती है। और अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री के बिहाफ पर जाते हैं तो गाइज आप डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर जाते हो, सैलरी रेंज भी आपका अच्छा होता है और डेफिनेटली गाइज बहुत सारे जो अलाउंस वगैरह बेनिफिट्स वगैरह वो भी होते हैं। और गाइज, आप सबको लास्ट ईयर भी मैंने ये नोटिफिकेशंस कवर करके बताया था, इस साल का नोटिफिकेशन जो है वो भी आ चुका है। इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें 64th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मेन जो है अप्रैल 2025 एंड 35 शॉर्ट सर्विस टेक्निकल वुमेन कोर्स अप्रैल 2025 के लिए इन्होंने यहाँ पर ओपनिंग कर दी है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, जो अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और भी बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स भी अलाउड होते हैं। एज लिमिट अगर हम बात करें गाइज, एसएससी टेक में 64 मेन एंड एसएससी टेक 34 वुमेन की जो पोस्टिंग है उसके लिए अगर आप देखोगे तो आपका जो बर्थ जन्म है वो 20 से 27 ईयर के बीच में होना चाहिए। अगर आप इन दोनों डेट ऑफ डेट के बीच में अगर आप आ रहे हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जो विडोज ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स डिफेंस पर्सनल जो है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइस, तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए और जो भी आपके सारे सेमेस्टर वगैरह जो है वो 1 अप्रैल 2025 से कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब जो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो गाइज, जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर एग्जाम होते हैं वो एलिजिबल नहीं, उससे पहले अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हो। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम बात करें गाइज, तो जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स से वो इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और अगर आप एसएससी सीडब्ल्यू टेक देख रहे हैं तो बीटेक आपका एनी स्ट्रीम में होगा तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर वैकेंसीज जो है डेफिनेटली अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रिजर्व है। जैसे अगर हम सिविल के लिए बात करें गाइज, तो अगर आपने सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर से, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर इसके इंटरडिपेंडेंट जैसे सिविल, सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और बाकी जो अदर दे रखे हैं, यहाँ पर जो भी सिविल से इंटरडिपेंडेंट जो भी ग्रेजुएशन के कोर्स है अगर आप यहाँ पर हो तो आपके लिए 75 वैकेंसीज यहाँ पर एलिजिबल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें गाइज, तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी यहाँ पर 60 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो गाइज, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी अच्छी न्यूज है, आपके लिए 60 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम देखें गाइज, कंप्यूटर साइंस के इंटरडिपेंडेंट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले, वो बच्चे भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए भी 33 वैकेंसीज है, अगर आप इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन रखते हो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें गाइज, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आप इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन रखते हैं तो 64 वैकेंसीज आपके लिए भी रिजर्व है, डेफिनेटली आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए 101 वैकेंसीज है, मतलब गाइज 101 यहाँ पर डाई ऑफिसर की पोस्ट अवेलेबल है, तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मैकेनिकल से डिपेंडेंट जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज है, अगर आप इनमें से किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एलिजिबिलिटी रखते हैं आप एलिजिबल है। सिमिलरली जो अदर जो मिसेलिनियस है, जैसे मान लो कि इनमें से किसी में भी अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। टोटल 350 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है और यहाँ पर 35 वुमेन्स के लिए भी, यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 वैकेंसीज सिविल के लिए वुमेन कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। सेम अगर आप यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस की 4 वैकेंसीज वुमेन्स के लिए अवेलेबल है। सेम अगर आप यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज वुमेन्स के लिए अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज वुमेन्स के लिए अवेलेबल है। सेम यहाँ पर जो अदर मैकेनिकल के लिए 9 और जो बाकी ब्रांचेज है मिसलिनियस जो ब्रांचेज है उनके लिए भी यहाँ पर टोटल मिला के 29 सीट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज जब आप ज्वाइन करते तो गाइज अगर आप यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर्स और बाकी देखोगे तो बाकी काफ़ी अच्छा रहता है। इनिशियली आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है देन आप डेफिनेटली एक ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ऑफिसर की पोस्ट पे रहेंगे, मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों के लिए ऑफिसर की पोस्ट है। स्टार्टिंग जैसे आपकी लेफ्टिनेंट से होगी तो यहाँ पर उसके बाद आपका कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये सब पोस्ट पे आप पहुंच सकते हैं। तो ऑफिसर की पोस्ट पर आप जा रहे हैं, लेवल 10 का सैलरी आपको मिलेगा, 56,100 से लेकर 1,77,500 आपको सैलरी मिलने वाला है। कैप्टन का लेवल 10 भी हो जाएगा, जब प्रमोशन होगा तो आपका सैलरी स्लैब इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और एनुअल इंक्रीमेंट 3% बाकी जो मिलिट्री सर्विस पे जो है
एक्स्ट्रा 15,500 आपको यहाँ पर मिलेगा। और भी अगर आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट अदर लोकेशंस पे जाते हैं तो उस हिसाब से आपको अलग अलग पेमेंट और एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी ऐसी हाई हार्डशिप वाली जॉब में जा रहे हैं तो आपको अलग से अलाउंसेज मिलेंगे। तो ये अलग से अलाउंसेज है सारे, एज पर योर जॉब लोकेशन, यूनिफॉर्म के अलाउंसेज 20,000 पर ईयर, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अलाउंसेज, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बेनिफिट जो है वो जो भी मिलते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को वो सारे आपको मिलेंगे, हॉस्टल सब्सिडी से लेके बाकी सारी चीज़ें भी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन में जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज जो भी आपके पास अदर जो डिटेल्स वगैरह है वो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, वो सेंटर अलॉटमेंट, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर जो भी आपको होगा वो आगे प्रोसीड कर दी जाएगी। 16 जुलाई से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 14 जुलाई से की लास्ट डेट रहने वाली है। तो इन माई ओपिनियन बच्चे जो भी स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ऑफिसर की पोस्ट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करा है। लास्ट ईयर भी इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन कवर किया था मैंने और उसमें काफी सारे बच्चे जो है वो सिलेक्ट भी हुए थे। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, जितनी भी कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आती है आपको वहाँ पर टाइमली बेसिस पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाकी ये PDF और अप्लाई करने की लिंक भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।